नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। बिहार में मिले कोविड-19 के 3000 से ज्यादा मामले। 16,000 ग्राम सचिव और न्याय मित्रों के लिए सरकार ने जारी की राशि। म्यूजियम में दिखेगी गंगा की संस्कृति और इतिहास की झलक। केंद्र ने बिजली के बकाए मद में बिहार को दिए 489 करोड़ रुपए। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पद के लिए मांगे आवेदन। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पद के लिए कुल मिलाकर 52 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, चेस्ट एंड टीबी, ENT, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, रेडियो डायग्नोसिस, स्किन एंड VD, न्यूक्लियर मेडिसिन, SCI, वायरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोमेडिसिन, जनरल सर्जरी इमरजेंसी, पीडियाट्रिक सर्जरी, GI सर्जरी, यूरोलॉजी तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में MBBS और MD, MS, MDS में डिग्री होना अनिवार्य है, जिसके बाद अभ्यर्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 और 3 फरवरी 2022 को इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वहीं आवेदन भरने के लिए www.igims.org की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा इस पद से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी क्लिक कर सकते हैं। अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही अब बिहार बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं के सभी परीक्षार्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर जाना होगा। साथ ही केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। केंद्र के अंदर परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर ले जा सकेंगे। हर पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले उस केंद्र की पूरी तरह से सैनिटाइजर किया जाएगा। वहीं परीक्षार्थियों को खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना होगा, जिसकी सारी जानकारी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे नरसिंह राजपूत की। नरसिंह राजपूत का जन्म 22 जनवरी 1960 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। नरसिंह राजपूत एक भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता है, जिन्हें टॉम डिक और हैरी जैसी हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक टॉम डिक और हैरी 2, टॉम डिक और हैरी, मजा कभी कभी खतरनाक हो सकता है, ना तुम जानो ना हम और पुश स्कूटर जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। में मिले कोविड-19 के 3000 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3009 मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,775 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 54, अरवल में 29, औरंगाबाद में 60, बांका में 32, बेगूसराय में 83, भागलपुर में 77, भोजपुर में 77, बक्सर में 48, दरभंगा में 89, ईस्ट चंपारण में 67, गया में 58, गोपालगंज में 61, जमुई में 52, जहानाबाद में 13, कैमूर में 34, कटिहार में 34, खगड़िया में 9, किशनगंज में 28, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 126, मधुबनी में 51, मुंगेर में 88, मुजफ्फरपुर में 117, नालंदा में 27, नवादा में 14, पटना में 697, पूर्णिया में 118, रोहतास में 46, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 222, सारण में 101, शेखपुरा में 16, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 54, सुपौल में 27, वैशाली में 102, वेस्ट चंपारण में 97 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्य से आए 29 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,52,728 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 6,896 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर की बढ़ी सुरक्षा। गणतंत्र दिवस अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर कई घुसपैठियों के भी घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने का काम कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल ने इसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सीमा पर तैनात सभी 12 बटालियन को नियमित तौर पर बॉर्डर पेट्रोलिंग, जांच और तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद ही सभी बटालियन अलर्ट है, मिले निर्देशों का 100% पालन कर रहे हैं, साथ ही खुफिया इनपुट भी जुटा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 16 पन्नों का अलर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस से शेयर भी किया है।
पटना में शादी को लेकर नई गाइडलाइन हुई जारी। खरमास के खत्म होने के साथ ही बिहार में शादियों का सीजन शुरू हो गया है, जिसके बाद ही अब जल्द ही शहनाइयों की गुंज सुनाई देने वाली है। चूंकि इस महीने की शादियां कोरोना काल में होने जा रही हैं, ऐसे में शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। नए आदेश में स्टाफ सहित 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सभी को फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा। बैठने के लिए 2 गज की दूरी के अनुसार व्यवस्था रहेगी। बारात, जुलूस और डीजे प्रतिबंधित रहेगा और इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंध संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। 16,000 ग्राम सचिव और न्याय मित्रों के लिए सरकार ने जारी की राशि। बिहार के सभी 16,000 ग्राम सचिव और न्याय मित्रों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय और ग्राम कचहरी न्याय मित्र की नियत फीस की राशि के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है, जिसके तहत कुल मिलाकर 47,03,40,000 रूपए राशि आवंटित कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव को मानदेय के रूप में 6,000 रूपए और न्याय मित्र को नियत फीस की राशि 7,000 रूपए प्राप्त होती है, जिसके तहत ही दिसंबर महीने तक ग्राम कचहरी सचिव 22,84,20,000 रूपए मानदेय के रूप में और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के फीस के भुगतान हेतु 24,19,20,000 रूपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। बिहार में कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। बिहारवासी अभी शीतलहरी की मार झेली रहे थे कि बारिश को लेकर बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार की जनता को आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मध्य प्रदेश और इसके आसपास के एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिनके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ साथ बारिश और ओला गिरने के आसार है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 22-23 जनवरी को लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। वहीं बीते दिन की बात करें तो राजधानी पटना समेत कई जगहों पर कुहासा देखने को मिला। वहीं कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति भी देखने को मिली। विकास के मामले में पूरे बिहार का डबल डिजिट ग्रोथ। बिहार में विकास की सच्चाई क्या है क्या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन बिहार के विकास को लेकर नीति आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार का खगड़िया जिला विकास के सभी मानकों में बिहार में पहले स्थान पर आया है, जिसके परिणाम स्वरूप खगड़िया को केंद्र सरकार की तरफ से 10 करोड़ की राशि मिलेगी। साथ ही अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए जमुई को 2 करोड़ और पूर्णिया को 1 करोड़ की राशि मिलेगी। इसके अलावा कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए नवादा को और आधारभूत संरचना के विकास के लिए बेगूसराय को 3-3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार देगी। नीति आयोग के कार्यपालक पदाधिकारी अमिताभ कांत ने मुख्य सचिव आमिर सुभानी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। इसी कड़ी में अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के विकास को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के खास फैन सुधीर कुमार ने बिहार पुलिस को लेकर निकाली अपनी भड़ास। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आपने भी कभी न कभी स्टेडियम में सचिन के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार को सचिन के नाम के साथ और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ जरूर देखा होगा, जिसके कारण ही वो अक्सर मीडिया में भी बने रहते थे। इसी बीच सुधीर कुमार अब एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि इस बार वो मीडिया में पुलिस के खिलाफ कर रहे बयानबाजियों के कारण आए हैं। दरअसल हुआ यूं कि सुधीर कुमार ने मुजफ्फरपुर नगर थाने के पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। सुधीर ने कहा कि थाने के मुंशी ने पहले तो उन्हें गाली दी और फिर 2 लात मार थाने से भगा दिया, जिसके बाद ही अब सुधीर ने इस पूरे घटनाक्रम को टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान को बताया है और अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुधीर अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए थाने में गए थे। पथ निर्माण मंत्री ने जेपी सेतु गंगा पाथवे का किया निरीक्षण। राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने का काम बिहार सरकार लगातार कर रही है। यही कारण है कि पटना की सड़कों के निर्माण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन पथ निर्माण मंत्री जेपी सेतु गंगा पाथवे का निरीक्षण करने पहुंचे, क्योंकि गंगा के किनारे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश गंगा पुल का काम दीघा छोर से शुरू हो रहा है। इस गंगा पथ की लंबाई 5.9 किलोमीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। उन्होंने कहा कि जेपी सेतु गंगा पथ का निरीक्षण किया गया है, एजेंसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और सबसे पहला फेज जो है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। अब उसी रास्ते से रोड बनाने का भी काम चल रहा है, जिससे राजधानी वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही इसके बन जाने से लोग सुबह सुबह गंगा के किनारे सैर का भी आनंद ले सकेंगे। अभी भी काफी लोग गंगा पाथवे पर मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जहां काफी सुंदर नजारा लगता है। बिहार के आईजी ने पुलिस ट्रेनिंग पर उठाए सवाल। हाल ही में महिलाओं के साथ दरोगा का दुर्व्यवहार करने से पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच अब पुलिस की छवि पर बिहार के आईजी पी के दास ने भी सवाल या निशाना साधा है, जिसके तहत आईजी प्राणतोष कुमार दास ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो से लगता है कि दरोगा खुद को मालिक समझ बैठा है। ये उसकी ट्रेनिंग की कमियों का नतीजा है, क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत में ऐसे लोगों को पुलिस की ट्रेनिंग तो दी, लेकिन रेगुलेटरी पुलिस यानी कि गुलाम भारत की ब्रिटिशकालीन पुलिसिंग के तौर तरीकों से ट्रेन किया है। ब्रिटिशकाल की पुलिस को कोई मतलब
मतलब नहीं था कि वो भारत को डेवलप करने का काम करे। चूक यही हुई है कि हमने ट्रेनिंग के दौरान इसमें मानवीय मूल्य भरे ही नहीं, उनकी ट्रेनिंग में पीटी परेड पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अगर उनको सिखाया जाता कि समाज में उनका क्या दायित्व है, सरकार की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, तो वो ऐसा ना करते। मॉडर्न पुलिसिंग में इस बात को ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। कनाडा की सब्जी का स्वाद चखेंगे बिहारवासी। बिहार में खेती की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में किसान अपनी खेती से बिहार में खासकर की काफी अच्छी उपज कर लेते हैं और बिहार के किसान अपनी सब्जियों को बाहर भेजने का काम करते हैं। लेकिन अब बिहार में उल्टा देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत बिहारवासी अब जल्द ही कनाडा की सब्जी का स्वाद चखेंगे। आधुनिक और विदेशी मूल की सब्जी की खेती अपने देश में करके किसान अब दोगुना और चार गुना लाभ कमाने की कोशिश में है। परंपरागत खेती किसानी से धीरे धीरे किनारा करने वाले किसान अब आधुनिक खेती कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं बिहार का चंपारण जिला नारंगी गोभी, बैगनी गोभी और स्ट्रॉबेरी की खेती कर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जल्द ही कनाडा की यह वैरायटी बाजार में नजर आने वाली है। बाहरी राज्यों की महिला नहीं बन सकती आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बनने के लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बाहरी राज्यों की महिला अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका नहीं बन सकेगी। यानी कि अब अगर किसी महिला ने दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र सेविका या सहायिका की नियुक्ति के आवेदन में संलग्न किए गए हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र देना ही है तो बिहार में बना होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बिहार पदों और सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 15/2003 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। केंद्र ने बिजली के बकाए मद में बिहार को दिए 489 करोड़ रुपए। राज्य की लंबित बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिन राशि जारी कर दी है, जिसके तहत कुल मिलाकर 489 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीति आयोग की तरफ से केंद्र से यह रकम जारी करने की सिफारिश की गई थी। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पत्र के बाद आयोग सक्रिय हुआ। इससे पहले योजना विकास विभाग ने 12वीं योजना के लिए स्वीकृत राशि के बकाए की मांग की थी। योजना विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक राशि में पावर ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन पर खर्च की जाएगी। इसके बाद ही मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बकाए रुपए देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। किशोरों का टीकाकरण बना चुनौती। इसी महीने से बिहार समेत देश भर में किशोरों के टीकाकरण का काम किया जा रहा है, जिसे अब तक तो काफी किशोरों को टीका देने का काम किया जा चुका है, लेकिन बिहार के लगभग 52 लाख किशोरों को टीका देना अभी भी बेहद ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य में 26 जनवरी के पहले 83 लाख किशोर किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक राज्य में करीब 31 लाख किशोर और किशोरियों का वैक्सीनेशन किया गया है। लक्ष्य पूरा करने में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, जबकि लक्ष्य के मुताबिक अभी करीब 52 लाख को टीकाकरण किया जाना है। ऐसे में विभाग ने 26 जनवरी के पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। समय कम बचा है, जबकि टीका का लक्ष्य अभी अधिक है। अगर सरकार सच में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो हर दिन लगभग 10 से 12 लाख किशोरों का टीकाकरण करना होगा। पटना म्यूजियम में दिखेगी गंगा की संस्कृति और इतिहास की झलक। अब पटना म्यूजियम में आपको पुराने सामानों का दीदार करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही म्यूजियम में अब गंगा की संस्कृति और इतिहास की झलक भी अब आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो कि दर्शकों के लिए डिजिटली लॉन्च किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार ये गैलरी पटना म्यूजियम परिसर में 158 करोड़ की लागत से बने नए भवन में होगी। फिलहाल भवन बनकर तैयार है, जिसके तहत ही गैलरी बन चुकी है। ऐसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि मार्च तक इसे मूर्त रूप देने का लक्ष्य तय किया गया है। इतना ही नहीं, लोगों को और ज्यादा सहूलियत देने के लिए और उनके म्यूजियम के सफर को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम एक टनल से जुड़ेगा, ताकि दोनों संग्रहालयों में आने वाले लोग आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंच सके। अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में जदयू और भाजपा की तनातनी के बीच बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं मुलाकात के पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बिहार भाजपा के संगठन से जुड़े मुद्दे और वर्तमान सियासत को लेकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करूंगा, जहां कई मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है और भाजपा जदयू का गठबंधन बना रहेगा। भाजपा और जदयू के बीच जो भी समस्याएं हैं उसको बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा, वैसे कोई गंभीर समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के नेताओं को मीडिया में बयानबाजी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। बिहार में बहुत जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। बिहार में बीते कई दिनों से खरमास के बाद से ही खेला होने की चर्चा हो रही है। हालांकि इसका दावा अब तक तो केवल बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां ही कर रही थी, लेकिन अब एनडीए के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। इसी बीच बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन पटना पहुंचने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में भाजपा और जदयू के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसको देखकर जरूर कह सकता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री को यह एहसास हो गया है, यही कारण है कि वो समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। बहुत जल्द बिहार के एनडीए का मनमुटाव मध्यावधि चुनाव के रूप में बदलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब समझ गया है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है और इसकी तैयारी में वो अब जुट गए हैं।
जदयू आज कर सकती है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी सूची जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल बिहार में भी देखने को मिल रही है। आलम कुछ यूं है कि लगातार चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा में तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों पार्टियों की दूरी को मिटाने के लिए जदयू की तरफ से इस काम में आरसीपी सिंह को लगाया गया था, लेकिन उनसे भी दाल नहीं गली। यही कारण है कि अब जदयू ने आरसीपी सिंह से भी अपनी उम्मीद छोड़ दी है, जिसके बाद ही अब आज यानी कि शनिवार दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी जा सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा था कि बहुत जल्द समझौता कराए, वरना हम अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे, जिसके बाद आखिर में वही हुआ जिसकी आशंका थी। मंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद चिराग पासवान को भेजा पत्र। लोजपा रामविलास और भाजपा के बीच जारी जुबानी जंग के बीच बीते दिन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई सांसद चिराग पासवान को पत्र भेजा है। हालांकि यह सुनकर आपके मन में भी तरह तरह के सवाल जरूर उठ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मंत्री सम्राट चौधरी ने पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान से पंचायती राज विभाग की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सूचना उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत भवन 7 निश्चय के तहत हर घर नल का शुद्ध पेयजल और जल जीवन हरियाली योजना के तहत कुओं का जीर्णोद्धार का काम कराया जाए। सरकार की यही योजना है कि कोई भी गांव इस योजना से वंचित नहीं रहे, इसीलिए पंचायत भवन हर घर नल का जल के लाभार्थी और कुआं जीर्णोद्धार कार्य के लिए बचे पंचायत या कुओं की सूचना सांसद से मांगी गई है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए 1963 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में शुरू हुआ। कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैगसेस पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति टीएम कृष्णा का 1976 में जन्म हुआ। असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का 1977 में जन्म हुआ। 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ। 1901 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन आज ही के दिन हुआ था। मुकाबले में हार के साथ टीम इंडिया ने गवाई सीरीज। बीते दिन खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और भारत ने सीरीज को भी अपने हाथ से गवा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत की तरफ से रखे गए 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने 48.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जाने माने मिलान ने सबसे अधिक 91 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक 78 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे रविवार को केप टाउन में खेला जाएगा। हालांकि आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका जो आराम से खेलती नजर आएगी, वहीं भारतीय टीम अपनी इज्जत बचाती हुई नजर आ सकती है। अब एक ही मोबाइल नंबर पर 6 लोग कर सकेंगे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच जारी वैक्सीनेशन को लेकर बीते दिन बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत भारत सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कोविन पर कुछ छूट दी है। जिसके तहत भारत सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कोविन पर कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत ही अब इस एप्लीकेशन पर एक मोबाइल नंबर से 6 लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टीकाकरण से पहले आमतौर पर लोगों को कोविन ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हालांकि अब तक नियम कुछ और थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इससे पहले केवल 4 सदस्यों को ही यह छूट दी गई थी, लेकिन अब 6 लोगों को यह अनुमति दी गई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,400 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,920 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, विजय घायल, रूपा कुमारी, मनीषा धाकड़, निरंजन कुमार, उमेश कुमार, शुभम अकेडमी, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, सत्यम राजपूत, रॉकी राज, करण यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए क्या सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।